नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट की, लो स्पर्म काउंट की और मेल आदमियों में इनफर्टिलिटी इश्यूज की, बच्चा पैदा ना कर पाने के इश्यूज की जो के मर्दों में होते हैं, उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे चैनल पे। और इस टॉपिक पे कई वीडियोस आएंगे कुछ दिनों में। सो अगर आप इस टॉपिक में के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑब्वियसली बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे आपके देखने के लिए, तो देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसे लगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो लो स्पर्म काउंट का मतलब है कि जो सीमेन आप इजैकुलेट करते हैं ऑर्गेजम के टाइम, उस सीमेन में स्पर्म्स कम हो तो उसे कहते हैं लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट को मेडिकल लैंग्वेज में ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। और अगर कहीं स्पर्म काउंट जीरो हो, यानी स्पर्म आपके सीमेन में है ही नहीं, तो उसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। सो लो स्पर्म काउंट कितना होता है? 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर से अगर आपके सीमेन में स्पर्म्स कम हैं तो उसे लो स्पर्म काउंट कहा जाता है। और अगर आपके स्पर्म काउंट्स कम है तो आपके चांसेस कम है कि आपके द्वारा कोई फीमेल फर्टाइल प्रेग्नेंट हो पाएगी। अच्छी बात यह है कि आज के दौर में ज्यादातर मेन, ज्यादातर आदमी जिनका स्पर्म काउंट कम है वो फिर भी बाप बन पाते हैं, कई मेडिकल हेल्प के साथ, कई बिना मेडिकल हेल्प के। तो आइए समझते हैं कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आपको क्या लक्षण होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे। देखिए, नॉर्मली स्पर्म काउंट कम होने का सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। उसके अलावा हो सकता है कोई और लक्षण आए ही ना। लेकिन कई केसेस में जब लो स्पर्म काउंट का कोई मेडिकल रीजन है या कोई हार्मोनल रीजन है या कोई ऐसा रीजन है जो करेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ लक्षण आए। तो ये लक्षण बहुत वेरी भी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपको सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम हो, जैसे कि सेक्स ड्राइव कम हो जाए या फिर इरेक्शन मेंटेन करना मुश्किल हो जाए, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, या फिर जो टेस्टिकुलर एरिया है अंडकोश के आसपास स्वेलिंग हो जाए, सूजन आ जाए या वहां दर्द होने लग जाए, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपके स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं, तो हॉर्मोन्स के दूसरी तरफ साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि आपके बॉडी में या आपके फेस में जो बाल हैं वो कम हो जाएं या कम हैं, तो वो एक तरीके का सिग्नल है कि आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम है, या फिर किसी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर के भी साइन हो सकते हैं कि आपको कोई और जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। यानी उस चीज से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पर्म काउंट आपके कम हो सकते हैं। सो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सब लक्षण हो सकते हैं लो स्पर्म काउंट के। तो आइए अब देखते हैं कि कब आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस प्रॉब्लम की वजह से। अगर आपको एक साल या उससे ऊपर हो चुका है लगातार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हुए और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए, और रेगुलरली आप सेक्स करते हैं लेकिन फिर भी आप प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और कुछ सिचुएशंस में आप साल भर के पहले भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और कई दफा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले से भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इजेक्युलेशन प्रॉब्लम है, सेक्स ड्राइव कम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम में, कोई भी सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम है, आपको
अंडकोश में, टेस्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, सूजन है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा, सर्जरी हो चुकी है आपकी, कभी नीचे की या पेट की या ग्रोइन की ऑपरेशन हो चुका है, या फिर आपको पहले कभी कोई टेस्टिकुलर या प्रोस्टेट का या सेक्सुअल प्रॉब्लम आ चुका है, तो इन सब कारणों के साथ आप अपने डॉक्टर के पास पहले से जाके सलाह ले सकते हैं कि आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो आप क्या करें और क्या एहतियात बरतें। तो आप इन सब बातों के लिए कंसीव करने से पहले से भी डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं। सो आइए एक बार जनरलाइज समझते हैं कि क्या रीजन है, क्या कॉज है, क्या कारण है कि आपके स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। देखिए, स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है, स्पर्म बनना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें के आपके टेस्टिस, आपके अंडकोश, उनकी, आपके दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हॉर्मोन्स बनाते हैं, और दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है, इन सब की नॉर्मल फंक्शनिंग जरूरी है। अगर आपके ब्रेन से हॉर्मोन सही तरीके से बनेंगे जो कि आपके टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए स्टिमुलेट करेंगे, तो स्पर्म बन सकते हैं। और एक बार स्पर्म बन जाते हैं तो स्पर्म को बाहर आने के लिए बहुत सारी पाइपलाइंस, ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे रास्तों से गुजरना होता है, और इन पतले डेलिकेट रास्तों में कहीं भी दबाव आ जाए, सिकुड़न आ जाए, रास्ता बंद हो जाए, या इन्फेक्शन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, तो इन रास्तों में भी कोई भी दिक्कत आ जाए तो आपके स्पर्म को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो एक बार स्पर्म बन जाते हैं टेस्टिकल्स में, आपके अंडकोशों में, तो अंडकोशों से बाहर आने के लिए, सीमेन के अंदर स्पर्म्स मिलने के लिए बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं, रास्ते हैं। इन ट्यूब्यूल्स, इन रास्ते में कहीं भी रुकावट आ सकती है, और सीमेन के अंदर मिलने के बाद में भी आगे पेनिस से बाहर आने के लिए भी रास्ते में रुकावट आ सकती है। उस रास्ते में इन्फेक्शन के वजह से, चोट के वजह से, ऑपरेशन के वजह से, कई कारणों के वजह से रुकावट आ सकती है, और इनमें से कोई भी रीजन, इनमें से कोई भी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म फंक्शंस कम हो सकते हैं। इनके अलावा आपके स्पर्म्स के शेप भी खराब हो सकते हैं, उनके शेप, उनकी शक्ल भी खराब हो सकती है, और उनके मूवमेंट भी खराब हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और कई दफा आपको क्यों इनफर्टिलिटी, क्यों लो स्पर्म काउंट है, इसके कारण नहीं भी पाए जाते। दोस्तों, अगली बार हम बात करेंगे मेडिकल कॉजेस की, जिनके वजह से, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके वजह से आपको लो स्पर्म काउंट हो सकता है, और हम बात करेंगे ऐसी क्या चीजें आप करते हैं लाइफस्टाइल में जिसके वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, ऐसी क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि प्रिवेंट हो ये सब इश्यूज। तो स्टे ट्यून, हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल का आइकन जरूर दबाइए। और भी कई वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोस हम बना रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।